इंस्टाग्राम में इतने भर भर कर इफेक्ट है, लेकिन भाई हमें कुछ ही पता है, और ये इंस्टाग्राम में काफ़ी अच्छे तरीके से हाइड करे हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ आप ऐसे इफेक्ट कैसे पा सकते हैं अपने इंस्टाग्राम में और अपनी स्टोरी में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को ओपन करिए, ओपन करते ही आपको लेफ्ट की तरफ स्वाइप करना है, और नॉर्मल में आपको काफ़ी सारे इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन आपको टाइटल इफेक्ट पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट आप ब्राउजिंग इफेक्ट पर क्लिक करिए, इस वाले आइकन पर आपको यहाँ पर काफ़ी सारे इफेक्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, और आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, और ये कैटेगरी वाइज भी डिवाइड करे हुए हैं, और इन्हें ट्राई करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। इस पर ट्राई पर क्लिक करिए, आफ्टर दैट आप इसे यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी मस्त मस्त स्टोरी बना सकते हैं अपने इंस्टाग्राम के लिए। और इंस्टाग्राम में ऐसे कुछ हॉरर इफेक्ट भी है जिन्हें आप स्टोरी में लगाकर अपने दोस्तों को डराने की कोशिश कर सकते हैं। खैर, आज की इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा कुछ ऐसे हिडन फीचर्स शेयर इंस्टाग्राम के, जिसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता। तो वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेकर एंड तक। इसमें भाई काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं, लाइक आप कमेंट को हाइड कर सकते हैं बिना किसी को बताए कि मैंने तेरा भाई कमेंट हटा दिया, वहाँ से उसको पता भी नहीं लगेगा और कमेंट हाइड हो जाएगा, और अपनी पोस्ट को भी आप हाइड कर सकते हैं। भाई ऐसे काफ़ी सारे कूल फीचर्स हैं इंस्टाग्राम में, तो वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेकर एंड तक। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। व्हाट्सअप गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग अनदर एपिसोड, दिस इज पीयूष। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एम करते इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताना बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो आपको पता है कि आप कमेंट को हाइड कर सकते हैं किसी के भी, और उसको पता भी नहीं लगेगा जिसके कमेंट को आपने हाइड करा है, मतलब कोई भी उसका कमेंट नहीं देख पाएगा सिवाय आपके और उसके जिसने कमेंट करा है। तो इस फीचर के बारे में जानने के लिए चलिए, तो सबसे पहले आप पोस्ट ओपन कर लीजिए। पोस्ट ओपन कर आपको जिस कमेंट को हाइड करना है उस पर क्लिक करे रखिए, ऊपर की तरफ आई बटन पर जाकर क्लिक करना है आफ्टर दैट, और वहां पर आपको रिस्ट्रिक्टेड कमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। और इससे बेसिकली क्या होगा ना, जिसने कमेंट करा है और आपको ये कमेंट दिखेगा, बाकी किसी को कमेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो आप रिस्ट्रिक्टेड कमेंट पर क्लिक कर दीजिए, आफ्टर दैट ओके पर क्लिक करना है, डिलीट पर मत कर देना भाई, ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपका काम हो जाएगा। और इन केस आपको ये कमेंट अनहाइड करना है तो भाई इस पर फिर से क्लिक करे रखिए, फिर से आई बटन पर जाइए और अनरिस्ट्रिक्टेड कमेंट पर फिर से क्लिक कर दीजिए, आपका जो कमेंट है वो फिर से अनहाइड हो जाएगा। तो मैं इसे काफी बार यूज करता हूं, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, और ये काफी मस्त फीचर है। तो रिस्ट्रिक्टेड कमेंट वाला फीचर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है भाई, आप इसे यूज कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ, और यहाँ पर ये वाले जो ऑप्शन है ना भाई, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, मतलब कभी दिमाग खराब हो जाता है, मन करता है टाइमलाइन से फोटो डिलीट करने का, तो भाई आप इसे यूज कर सकते हैं, मतलब हाइड कर सकते हैं आप बिना डिलीट करे अपनी पोस्ट को अपने टाइमलाइन से। और वो कैसे, तो देखिए, तो अपनी टाइमलाइन को ओपन करने के बाद पोस्ट पर जाओ, पोस्ट पर क्लिक करने के बाद थ्री डॉट मेन्यू पर क्लिक करो, और वहां पर आपको आर्काइव का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए एंड दैट्स इट, आपकी जो पोस्ट है आपकी टाइमलाइन से हाइड हो चुकी है, बिल्कुल आप यहां पर देख सकते हैं। और इन केस अगर आप इसको अनहाइड करना चाहते हैं तो आप जाकर ऊपर थ्री बार मेन्यू पर क्लिक करें, वहां पर आपको आर्काइव का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और मेक श्योर यहां पर आर्काइव पोस्ट हो, आर्काइव स्टोरी ना हो, और यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद आप आर्काइव पोस्ट में आ जाए, और यहां पर आप इस पर क्लिक करे रखिए, और आप यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन आप शो करना चाहते हैं इसे अपने टाइमलाइन पर या नहीं, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं पोस्ट वापस आ चुकी है, और ये काफी एक मस्त तरीका है भाई अपनी पोस्ट को हाइड करने के लिए। और हाँ, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, कभी कभी ऐसे पेड प्रमोशन करते हैं ना, तो अगर पेमेंट ना आए टाइम पर तो हाइड कर दो, ये भी काफी ठीक चीज है, और पेमेंट आ जाए तो फिर अनहाइड कर दो, बेहतरीन। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, और भाई ये फीचर नहीं है, इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, और इस एप्लीकेशन से आप अपनी स्टोरी को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं भाई, डिफरेंट लेआउट देखने के लिए मिलते हैं। तो इस एप्लीकेशन का नाम है मोजो, आप मोजो को डाउनलोड कर लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मोजो को डाउनलोड करते ही आप जब इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट लेआउट देखने के लिए मिलेंगे, आप इन लेआउट में से किसी को भी चूज कर लीजिए, और भाई इसे ऑन करते ही आप यहाँ पर अपनी फोटो को सेलेक्ट कर इसमें ऐड करिए एंड दैट्स इट, सेव कर आप इसे शेयर कर सकते हैं, और भाई अपनी स्टोरी को काफ़ी खतरनाक बना सकते हैं इंस्टाग्राम की। मुझे तो काफ़ी कूल, और मैंने पोल भी करा था अपने इंस्टाग्राम पर कि कितने लोगों को पता है इसके बारे में, और काफी लोगों को नहीं पता था, तो मैंने अब ये बात शेयर कर दी आप लोगों के साथ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, अपने इंस्टाग्राम में डार्क मोड को कैसे इनेबल करा जाए। तो भाई सिंपल है, अपने फोन के डार्क मोड को इनेबल कर दो, और उसके बाद जब आप जाकर देखेंगे अपने इंस्टाग्राम को तो वो ऑलरेडी डार्क मोड में आ चुका होगा। और ये जो चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा सर्च करी जाती है भाई इंटरनेट पर कि अपने इंस्टाग्राम में डार्क मोड को कैसे इनेबल करा जाए। तो काफ़ी सिंपल है, अपने फ़ोन के डार्क मोड को कर दो इनेबल, और आपका इंस्टाग्राम हो जाएगा डार्क मोड में, मतलब अंधेरियाँ छा जाएंगी। तो दैट्स इट गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में बचाएंगे और तहलका। तो ये मेरी पहली वीडियो थी इंस्टाग्राम को लेकर, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसी वीडियो मुझे कंटिन्यू रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, और आप इनमें से कौन सा फीचर ज्यादा यूज करने वाले हैं। सो दैट्स इट गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, तो मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करो, डू वॉच योर हार्ट, फिर स्टेडियम विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइज, बाय।